सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको एक नया फोन लेना है ना तो प्लीज पागल मत बनना, बिकॉज ये सारी कंपनीज मोर ऑर लेस मिलके हमको पागल बना रही है। मतलब आज दोस्तों इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आप एक नया फोन परचेज करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मोबाइल फोन ना आज की डेट में हमारे लिए मतलब एक ऐसा आइटम हो गया है जो मतलब शायद हमारे सबसे करीब है, 24 घंटे हमारे पास में है, और आई मीन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात दोस्तों करते हैं मोबाइल फोन्स की, तो ऐसे में ना एक खास आपको एक पूरा फीलिंग आती है कि हाँ मैं नया फ़ोन ले रहा हूँ। मतलब एक बहुत ना चाव होता है, बहुत आप इसे पूरे इमोशंस के साथ में फैसला करते हैं कि आप कौन सा नया फ़ोन लेने वाले हैं। और अब क्योंकि ये इतना पर्सनल है, क्योंकि आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन कंपनीज जितनी भी आप देखते हैं मार्केट में तरह तरह की, वो सभी कोशिश करती हैं कि आपकी जेब से कैसे थोड़े और ज़्यादा ऐसे पैसे जो है वो निकाल पाएं और एट द एंड अपना खुद का फायदा कर पाएं। मतलब देखो आपको दोस्तों बताता हूँ, ऑनेस्टली मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और पता नहीं कितने सारे कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट डजेंट रियली मैटर। मतलब आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप मोबाइल फ़ोन के नाम पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, या फिर सीधा कहूँ तो आपको कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। हम देखो हमेशा दिमाग में सपना देखते हैं एकदम अल्ट्रा हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स का, और डेफिनेटली वो हमको अच्छे भी लगते हैं, लेकिन क्या आपको वाकई में उस फोन की ज़रूरत है? क्या आपको वाकई में एक लाख 1.5 लाख रुपए के फ़ोन की ज़रूरत है भी क्या? क्या आपका काम एक 15,000 के फ़ोन से नहीं हो सकता? टू बी ऑनेस्ट आज की डेट में दोस्तों मेजॉरिटी 99% लोग शायद ऐसे होंगे जिनका काम बड़े आराम से एक 15,000-22,000 रुपए के फोन से बड़ा शानदार चल सकता है, उनको कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। लेकिन क्योंकि हमें वो दिखता है कि यार नहीं यार फोन हो तो डेढ़ लाख रुपए है भाई, 1.5 लाख एक फोन के नाम पे। और फोन क्या है बेसिकली? फोन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपने जमीन आज खरीदी है जो भैया कल को जाके रेट बढ़ जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा, आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कहीं गोल्ड खरीद लिया। ये दोस्तों एक ऐसा आइटम है जिसकी वैल्यू घट रही है विद टाइम। मतलब 1.5 लाख का फोन आज ले लो, 50,000 का 1 लाख का आप आज फोन ले लो और उसको आप 1 साल बाद बेच के देखो भैया आपको क्या पैसा मिलता है, आपको समझ में आएगा कि आपने कितना बड़ा लॉस किया। और क्योंकि 1 साल बाद तो आप बेचोगे ही, क्योंकि आपको उस टाइम पर नया फोन लेना होगा। मतलब हमारी जो साइकिल बन गई है ना, तो ऐसे में एक बेटर डिसीजन ये होगा कि आप एक 20-22 हज़ार रुपये का फोन खरीद लो, 15-18 हज़ार का, 1 साल बाद अगर बेचोगे भी तो भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपका काम चलेगा यार। बिकॉज टेक्नोलॉजी आज की डेट में ऐसी है कि मतलब अगर आप कंपेयर करते हो एक 20,000 के फ़ोन को एक 1 लाख के फ़ोन से, तो ऐसा तो है नहीं कि उससे 5 गुना अच्छा हो गया। थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट्स मिल रहा है, कहीं पे कैमरा अच्छा हो गया है, कहीं पे थोड़ा सा जो है वो लेट से स्क्रीन अच्छा हो गया है, कहीं पे थोड़ा सा बिल्ड थोड़ा सा प्रीमियम हो गया है, दैट इज़ इट। और इसके अलावा ऐसा थोड़ा है कि मतलब आप उसके अंदर कुछ ऐसा कर पाओगे जो आप 20,000 के फ़ोन में कर ही नहीं सकते। देर वॉज अ टाइम जहाँ पे बजट फोन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में यार जो मिड रेंज फोन है ना वो बहुत ज़्यादा सही हो गए हैं, काफ़ी आपको अच्छी वैल्यू देते हैं। तो ऐसे में आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन कि आप एक महंगा सुपर प्रीमियम फोन लो। आई मीन अनलेस आपको परवाह नहीं है पैसे की, या फिर आप ये बोलूँ कि सरप्लस है, या फिर अगर वो फोन आपके लिए आपको पैसा कमा के देता है। मतलब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जिनके लिए मोबाइल फोन उनका कहीं ना कहीं फायदा करवाता है, तो कई बार यू नो इट मेक्स सेंस कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हम बात करें आपके बिजनेस की, तो हो सकता है वो आपके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करे। अगर यू नो आप अपने फ़ोन को लेट से फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, या आप जो है वीडियोग्राफी के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके पास में एक बेस्ट यू नो जहाँ पे आउटपुट डिले वीडियो का वो फ़ोन हो, तो ऐसे में अपग्रेड करना मेक सेंस। या आपके फ़ोन में आप बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हो और आपको चाहिए कि यार आपका फ़ोन जो है वो आपको एकदम बेस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे, तो हो सकता है वो चीज़ ज़रूरी हो। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ अस, हमारे लिए तो यार एक 15,000-20,000 का फ़ोन इज़ मोर देन इनफ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे सामने इतने सारे एड्स आते हैं, हमारे सामने ऐसे कंपनीज दिखाती हैं, ऐसे पोर्ट्रे करती हैं, भैया मतलब फ़ोन ना हो गया ऐसे पता नहीं क्या ऐसे कोई जादू की छड़ी ले ली हाथ में कि भैया जीवन पूरा बंदा बन गया, डूड 1 सेकंड फ़ोन में आते ही हाथ में। जो एड्स दिखाते हैं ना कि ऐसे ऑफिस में आएगा, बॉस को भी इंप्रेस कर दिया काम करके, गर्लफ्रेंड मिल गई है नई मोबाइल फ़ोन से, ऐसा बिल्कुल शाम को पार्टी में जाके भैया वही बन रहा है हीरो, फोटो खींच रहा है बिकॉज उसके पास में नया वाला फ़ोन है। तो मतलब हम ऐसा कई बार फील करते हैं, अपने आप को इमेजिन करते हैं कि यार हमारे पास ये फ़ोन होगा तो हम भी तो ये सब कर लेंगे ना, हम भी बन जाएंगे डूड।
कुछ नहीं होने वाला उस चिप सीरो से। मतलब आप समझ लो ऑनेस्टली मेरी बात, कि यहाँ पे यार एज अ यू नो टेक एंथुजियास्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आज की डेट में 15-20 हज़ार 22 हज़ार के फोन्स जो हैं वो डेफिनेटली केपेबल हैं ऑल अक्रॉस। आपको अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, आपको अच्छी बाकी नो बाकी बैटरी हो या कैमरा हो या और बाकी चीज़ें वो मिल जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। आप कई बार दिमाग में आता है 18 GB रैम वाला फोन लेंगे, 16 GB रैम, करोगे क्या उस रैम का वो तो बता दो। मतलब आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल 6 to 8 GB रैम इज मच मच मोर देन इनफ। या हम बात करें कैमरा की तो मन में आता है 108 वाला ही चाहिए। चलो खैर तो 108 वाला ही मिल जाता है 20-22 हज़ार की रेंज में, उससे कम में मिल जाता है इनफैक्ट। लेकिन मतलब स्टिल ना कहीं हम जो है वो भागते नंबर के पीछे, अरे यार इसमें तो ऐसा है, इसमें तो ये इससे बना हुआ है फोन, या इसमें ऐसा क्यों, वो आपको फायदा कहाँ दे रहे हैं इतना ज्यादा प्रैक्टिकल, वो तो सोचो एक बार के लिए। लेकिन क्योंकि हम वो एड्स देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार नहीं इस तरीके से ऐसा, बस ये फोन जो है वो यही चीज है, होगा क्या वो ले लोगे आज, मान लो EMI के ऊपर ले लिया। पहली बात तो EMI पे लेना बहुत मतलब गलत फैसला होगा, बट स्टिल चलो मान लो एक बार के लिए ले भी लिया फोन, सोचा कि बस अब ये ले लिया, अब मैं बन गया चैंपियन। एक हफ्ते बाद आप वापस से वही जोन में आ गए, नया नया आपका हनीमून पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद भी फिर आपका क्या सीन होगा, दोबारा एक नया फोन आएगा उसी कंपनी का आएगा, वही आपको दोबारा फील करवाएगा कि बेटा नहीं जो आपके हाथ में है वो है पुराना, अब आ गया ये वाला नया और असली चैंपियन बनोगे इससे। फिर अंदर दोबारा से कि अच्छा यार इसको बेच दूँ तो कितने बिक जाएगा, या पैसे ले लूँ थोड़े से तो क्या एडजस्ट हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और दिल पे पत्थर रख के ले एक और अपग्रेड, इट रिपीट्स, ऐसे तो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आज की डेट में यार अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी लोग जो कि कमा रहे हैं पैसा, लेट से सैलरी का 25 हज़ार 30 40 50 हज़ार रुपए, और वो मोबाइल फोन के नाम पे इतना इतना खर्च कर देते हैं। और कई तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कमा भी नहीं रहे, वो पेरेंट्स से जिद करते हैं मेरे को चाहिए 30 हज़ार का 50 हज़ार का 1 लाख का फोन है। मजाक कर रहे हो क्या, क्या करोगे 1 लाख के फोन का, मतलब उसमें ऐसा क्या कर पाओगे जो इसमें नहीं कर पाओगे। 10 पॉइंट बता के दिखा दो, है ही नहीं कुछ भी, कुछ भी नहीं है। क्योंकि 20 हज़ार के फोन्स अच्छे हैं भाई, आपको एक अच्छी बेहतरीन अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। अनलेस मैंने बताया ना, या तो पैसा ऐसा है कि भैया आपको फर्क ही नहीं पड़ता, यू डोंट केयर, आपको चाहिए कि बस जो नया से नया है मेरे को लेना चाहिए। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन क्या प्राइस का है कहाँ, उनको बस चाहिए कि जो लेटेस्ट आएगा उनको डे वन पे वो फोन चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं, चलो या आप उस कैटेगरी में हो या फिर आपके काम में आपके फोन से फायदा पहुंच रहा है जहां पे भैया आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं मैक यूज करता हूं तो इससे मेरा काम काफी आसान बन जाता है, इसलिए मैं मैकबुक यूज करता हूं। मैं विंडोज पे स्विच कर सकता हूं, बट मेरे को पता है कि विंडोज स्विच कर भी लूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपको बेस्ट चीज चाहिए आपके काम के लिए, वहां पे आप खर्च कर दो। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस यार, जस्ट बिकॉज कंपनीज आपको अटैक करती है, बम्बार्ड करती है चारों तरफ से, ऐसे ऐसे एड्स लगा लगा के भैया वो ऐसा पोट्रेल करते थे बिल्कुल कि देखो मतलब ये कल तक क्या था और जैसे ही मोबाइल फोन आया ये बन गया भैया सीधा सुपर हीरो, वो हमको लगता है हम बनेंगे सुपरमैन। क्या ही बन जाओगे, वो फोन ले लोगे वो 2 दिन में घिस जाएगा, 2 दिन में हो गया पुराना, बाद में वही फोन भी आपका जो है वो सेम होगा। टेक इट एज ए टूल ना यार, टेक इट एज आई मीन इट जस्ट अ गैजेट टू कनेक्ट यू नो विद द वर्ल्ड। आई मीन आप इसमें क्या ही करोगे, आप इसमें 2 4 गेम्स खेलोगे, 2 4 आपकी सोशल मीडिया वाली एप्स होंगी, 2 4 लोगों से आप बात कर लोगे, उसके अलावा है क्या इस फोन में। मतलब हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मोबाइल फोन जो है ना वो तो मतलब एक बार बस फोन आ जाए बाकी सब तो मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। मतलब हम ना ऐसे अज्यूम करते हैं, बिलीव मी कि यार सी मेरे लाइफ में ना सब कुछ सही है, बट खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास में एक नया फोन नहीं है। नया फोन आएगा ना तो मैं इस फोन को सब जगह पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर दूंगा, तो मैं क्योंकि एड्स में ऐसा दिखाया जाता है कहीं ना कहीं। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस एंड सोच समझ के फैसला करो। आई थिंक कि अगर आप एक नया फोन ले रहे हो या अगर आपके पास में फोन है, अगर आप एक फोन लेते हो 2 साल तक आप बड़े आराम से उस फोन यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, मिनिमम चलाने को तो उससे ज्यादा भी चलेगा, बट अगर आपने अभी एक फोन लिया है तो 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, बिना अपग्रेड के काम चल सकता है, ज्यादा महंगा जाने की जरूरत नहीं है। 20-22 हज़ार के अंदर जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के आप चूज कर सकते हो, और एज अ टूल इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि भैया आप बन जाओगे फैंटम फोन लेने वाले, समझ रहे हो ना दोस्तों। बस फिलहाल इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ दोस्तों। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।